The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So if you're having an immune system problem, low immunity, then aapko kuch symptoms honge, kuch signs honge. Wo kya hai, right? वो क्या सिम्टम्स है, वो क्या साइन है. सी, आपका इम्यून सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी. इट्स अ लाइफ सेवर. अगर वो ख़राब है तो बॉडी कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है, कभी भी कोई मेजर प्रॉब्लम आ सकता है, राइट. सो दैट्स व्हाई आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम कम होता है तो अलॉट ऑफ साइंस कम. आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, राइट. आपका इम्यून सिस्टम कभी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाए तो भी बीमारियाँ हो सकती है. हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम के वजह से ही एलर्जीज हो सकती है, एस्थमा हो सकती है, एक्जिमा हो सकता है और ऑटो इम्यून डिजीजेज जैसे आर्थराइटिस होता है, डायबिटीज टाइप 1 है, ऐसी चीज़ें हो सकती है. लेकिन इम्यून सिस्टम अगर कम हो जाए आपका तो क्या होगा. अगर आपका इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा तो दिक्कत क्या आएगी कि आपके नंबर 1 साइन इज यू हैव कोल्ड हैंड्स. अगर आपके हाथ बहुत ठंडे रहते हैं, कोल्ड हैंड्स हैं, तो दैट इज़ वन पॉसिबल रीज़न कि ब्लड फ्लो वहाँ कम जा रहा है और दैट कैन बी अ साइन इंडिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम. बाथरूम प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, डायरिया हो रहा है आपको, लूज मोशन हो रहा है, मोर देन टू टू फोर वीक्स, लंबे समय तक रह रहा है, 2 से 4 हफ्ते तक, then also it can be a sign कि immune system में problem आ गया है. even constipation अगर हो तो, अगर constipation हो, bowel movements में दिक्कत regularly रहती हो, that also says कि आपकी intestines के अंदर जो immune system, जो viral, जो bacterial flora है वहाँ issue हो सकता है. आपको intestinal bacterial infection हो सकता है. immune system low हो तो आपको dry eyes होगी. कई बीमारियों में ऐसा होता है, ऑटोइम्यून रूमेटॉइड बीमारियों में ऐसा होता है. तो ड्राई आई इज़ वन साइन ऑफ दिस. एंड विजन प्रॉब्लम इज ऑल्सो, ब्लर्ड विजन हो सकता है इम्यून सिस्टम में कभी कभी. ऐसे फटीग चौथा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा कमजोरी, एकदम फटीग आएगा, एक्सट्रीमली टायर्ड फील होगा, लगेगा जैसे आपको फ्लू हो गया है. जी हाँ, लगेगा जैसे फ्लू हो गया, लेकिन सिर्फ इम्यून सिस्टम लो होगा. नींद से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सही लगेगा नहीं सोने से. कुछ लंबे सो रहे हैं लेकिन फिर भी कमज़ोरी नहीं जा रही है. बार बार आपके जॉइंट मसल इन सब में दर्द होगा, बॉडी में पेन होगा, राइट. यू माइट हैव माइल्ड फीवर, वेरी माइल्ड फीवर, जस्ट बिकॉज इम्यून सिस्टम इज लो, राइट. आपकी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ही ऊपर रहेगा, 99.5, 100 ऐसा रहेगा, लो ग्रेड फीवर, राइट. अगेन ये ऑटो इम्यून डिजीजेस में हो सकता है, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर. हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है आपको, इम्यून सिस्टम. इट माइट आल्सो बी वैस्कुलाइटिस, इन्फ्लामेशन, बट देन इम्यून सिस्टम में होता है. रैश भी आ सकता है इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, बिकॉज इम्यूनिटी कम होगी तो बॉडी में कहीं से भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जिक रिएक्शन खटाखट प्रॉब्लम करेगा. एलर्जी तो नहीं, वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी फंगस, तो छोटे मोटे रैश आ सकते हैं. इची ड्राई स्किन रहेगा तो वो भी रैश कर सकता है वेरी इजीली. जॉइंट में दर्द होगा तो जॉइंट सूजन आ सकती है. इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स ऑफ मोबिलाइजेशन, चलने फिरने में इशू. हेयर लॉस हो सकता है लो इम्यूनिटी में, वेरी 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 डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम. लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं क्योंकि लो इम्यून सिस्टम अटैक्स योर हेयर फॉलिकल्स. लोग यंग उम्र में आते हैं कि सर मेरे बाल जा रहे हैं, इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है. यू कैन लूज योर हेयर, एक पैच में जा सकता है, बहुत सारे एरिया में जा सकता है. आपको रिपीटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कोल्ड फ्लू बार बार हो रहा है, या कोई गला खराब हो रहा है, या कोई भी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, छाती में इन्फेक्शन, बार बार ऐसी चीज़ें हो रही. दीज आर थिंग्स कैन हैपन बिकॉज ऑफ दिस. यू माइट बिकम मोर सेंसिटिव टू द सन. लोगों को सेंसिटिविटी इतनी बड़े बाहर निकलने दिक्कत हो जाए, एकदम चमड़ी जल जाए, फोटोडर्मेटाइटिस हो जाए, ब्लिस्टर्स आ जाए, धूप में गए थे सीधा सर दुखने लग जाए, उल्टियाँ आने लगे, यू बिकम दैट वे. आपको हाथ पैरों में नमनेस हो सकता है, टिंगलिंग नमनेस हो सकता है हाथ पैरों में, और दैट माइट ऑल्सो बी अ साइन ऑफ डेफिशिएंसी, बी12 डेफिशिएंसीज, बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसीज.
क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या डीमाइनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी जिसे कहते हैं कि भाई नसें खराब हो रही हैं, दैट कैन बी अ साइन ऑफ लो इम्यून सिस्टम. खाना खाने में या निकलने में प्रॉब्लम आ सकती है, ट्रबल वाइल स्वॉलोइंग कि आपको लग लग के जा रहा है, अजीब सा लग रहा है, दिक्कत हो रही है, स्वॉलो नहीं कर पा रहे, खाना खाने का मन नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही, ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन. अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो सकता है कि भी वेट लॉस हो रहा है, बिना खा भी रहे हो लेकिन फिर भी वेट लॉस हो रहा है, देयर इज़ नो रीज़न वाई वेट लॉस, क्यों क्यों वेट लॉस हो रहा है पता नहीं चल रहा आपको, ऐसा हो सकता है. आपकी बॉडी में वाइट कलर के पैचेज आ सकते हैं, स्किन पे वाइट पैचेज आ सकते हैं बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी, रिमेंबर दैट, बिकॉज आपकी मेलानोसाइट्स काम करने कम कर देंगे अगर इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं करेगा. और इवन येलोनेस आ सकती है अगर आपके लिवर में प्रॉब्लम आएगी इम्यून सिस्टम की वजह से, तो लिवर सेल डिस्ट्रॉय होंगे, तो आपके आँखों के नीचे पीलापन आ सकता है, वो हो सकता है मेलिन जॉन्डिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है अगर इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम हो. तो ये सारे साइंस हो सकते हैं एक लो इम्यून सिस्टम में. राइट.